उपायुक्त कार्यालय मंडी के सभागार में हिमाचल प्रदेश महालेखाकार कार्यालय द्वारा दो दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा समय समय पर विभिन्न स्थानों पर पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इन अदालतों के माध्यम से पेंशनरों को भी लाभ होगा और इनकी लंबित पड़े मामलों का निपटारा नियमानुसार हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी अधिसूचना व नियमों में परिवर्तन किया जाता है, इसलिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पेंशन से संबंधित मामले प्रस्तुत करते समय नियमों व अधिसूचनाओं का अध्ययन अवश्य करें, ताकि संबंधित कर्मचारी को समय पर देय लाभ मिल सके। इस अवसर पर उप महालेखाकार ध्रुव भोला ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सामान्य भविष्य निधि, ऋण संबंधी मामलों से संबंधित समय समय पर जारी संशोधित नियमों, अधिसूचनाओं बारे विस्तृत चर्चा करना तथा अभिदाताओं द्वारा मौके पर रखी गई समस्याओं को निपटारा करना है। हमने ये द्वितीय दो दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन आज मंडी में किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जितने भी हमारे पेंशन उपभोगी हैं एवं जीपीएफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हम समयबद्ध तरीके से उचित राशि प्राप्त कराएं। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेस है उसको हम और मजबूत कर सकें। और हमारा तीसरा उद्देश्य ये है कि जो भी समय समय पर राज्य सरकार की अधिसूचनाएं आती हैं, हम उनको डीडीओ को उनसे अवगत कराएं, ताकि हम समयबद्ध के टाइम पर वो केसेस को सॉल्व कर सकें। इसमें हमारे राज्य सरकार से जितने भी डीडीओज हैं इस जिला के, उन सबको बुलाया गया है। हमने मीडियम आपके मीडिया से, आपके माध्यम से जितने भी पेंशनर्स हैं या जीपीएफ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको दुविधाएं हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। वे सब इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं।